जिस रिया पर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या वाली साजिश का शक है दोस्तों, उस रिया की बात देश क्यों सुने। सुशांत की आने के बाद बॉलीवुड सुशांत था, पर बॉलीवुड के एक बड़े खान के भाई ने जो खुलासा किया और उन्होंने कहीं ना कहीं इस मामले को मर्डर बताया, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। पर वो है कौन शख्स जिन्होंने बॉलीवुड को लेकर बॉलीवुड की ही पोल खोल डाली, बताएंगे आपको डिटेल में। सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बॉलीवुड जो पिछले 3.5 साल से सिर्फ सुशांत केस को लेकर बिल्कुल चुप्पी बना के बैठा हुआ है, पर आपको ये बात सुन के बहुत हैरानी होगी कि बॉलीवुड के इनसाइडर के एक भाई जो खुद एक एक्टर रह चुके हैं, एक्टर है भी वो खुद ही बॉलीवुड की पोल खोल दें, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। पर एक्चुअली में उन्होंने पोल खोली सुशांत के जाने के बाद, कई सालों के बाद वो निकल के आए, पर फाइनली उन्होंने पोल खोल दिया सुशांत सिंह राजपूत के मामले की भी, और साथ में उस बॉलीवुड की भी जिस बॉलीवुड को लेकर बहुत चर्चा होती है। बता दें आपको, ये है फैजल खान। जी हाँ, आमिर खान के भाई, जिनको कहा जाता है कि आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा, मेला फिल्म में इनको और आमिर खान को एक साथ देखा होगा आपने। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि हाल ही में जब इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर बातें करी, चर्चा करी, कई यूट्यूबर के साथ भी बात करी, मीडिया के साथ भी बात करी, तो इन्होंने जो बड़े खुलासे करे हैं, मैं चाहूँगा एक बार आप उस खुलासों को सुनिए, क्योंकि आप चौंक जाएंगे इनकी बातें सुनकर और सोचेंगे कि एक इनसाइडर बॉलीवुड की पोल कैसे खोल सकता है। अगर नहीं पता तो देखिए कैसे खोल सकता है। उसके साथ बहुत जातियां हुई,
करियर को वर्क स्टॉप करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से बड़े बड़े हाउसेस ने उसको साइन किया था उसको छोड़ नहीं रहे थे, फिर कुछ पिक्चर वो रीशूट किया उसने जो जबरदस्ती, जो उसका तो काम अच्छा ही था, वो अच्छा ही एक्टिंग करता था, लेकिन उसका उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए उसको नीचा दिखाया गया। तो ये सब बातें ऑडियंस समझ गई और अब वो सहन नहीं करेगी, इसलिए लोगों का दिल ऑडियंस जो आम आदमी है वो नहीं देखना चाहता पिक्चर इतने, और अपने पैसे क्यों खर्च करके देखे जब किसी को चांस ही नहीं मिलता जो ऑनेस्टली काम करता है। तो ये सब बातें हैं इंडस्ट्री में, जो इंडस्ट्री को सुधारनी पड़ेगी, और अभी तो एक ऐसा दौर आएगा जहाँ इंडस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी मेरे हिसाब से, और फिर कुछ नए लोग उठेंगे। अब वो कब होगा, क्योंकि देखिए डाउनफॉल तो शुरू हो गया इंडस्ट्री का, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, सब पिक्चरें फ्लॉप हो, वो तो डाउनफॉल तो शुरू हो ही गया है, तो कोई उसको नकार नहीं कर सकता वो बात। तो इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ बैड फेज, टफ फेज, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चलिए आगे चल के दूसरा शायद कोई सुशांत पैदा होगा तो उसके साथ, दूसरा कोई फैसल खान पैदा होगा तो उसके साथ तो मौका मिले आगे, जब इंडस्ट्री एक नए तरीके से शुरू होगी, नए सिरे से सब शुरू होगा, तो कोई ऑनेस्ट आदमी उसके लिए तो अच्छा एक प्लेटफॉर्म बने जहाँ वो आगे बढ़ सकता है। तो ये मेरी दुआ है कि आई थिंक आई एम विद द बॉयकॉट, आई फील दैट बॉयकॉट होना चाहिए इंडस्ट्री को, ताकि एक सबक मिले, क्योंकि एरोगेंस इतना हो गया था एक्टर्स का, जो पावर में तो यहाँ पर आपने देखा खुद एक इंसाइडर, खुद आमिर खान के भाई जिनका इंटरव्यू कुछ टाइम पहले का, ये जब इंटरव्यू ने दिया था बायकॉट बॉलीवुड को इन्होंने सपोर्ट किया था, बहुत बड़ी बात है। ये चाहते थे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैलेंटेड होते हैं जिनको मौका नहीं मिलता है, हो सकता है इस मामले की वजह से जिस तरीके से बॉलीवुड का हाल बेहाल हुआ है, हो सकता है सुशांत केस के बाद अब जाकर कोई और ऐसा केस ना हो और आने वाले नए टैलेंटेड लोगों को मौका मिलता रहे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली और इनकी बातों में कहीं ना कहीं वो सच्चाई नज़र आ रही थी कि ये खुद चाहते हैं कुछ ऐसे लोग जो टैलेंटेड हैं जिनको मौका मिलना चाहिए, जिनके मौके कोई और ना छीने, इनसाइडर ना छीने, फैमिली से बिलोंग करने वाले लोगों को आसानी से मौका मिलता है, इन्होंने खुद दावा किया। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जल्द आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि कई सारे और नए लोगों को भी मौका मिल रहा है और आने वाले वक्त में कई सारे ऐसे टैलेंटेड लोगों को हम देख सकें जिनके पास रियल में टैलेंट है और वो कोई फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, वो एक आउटसाइडर हैं, फिर भी उनको मौका मिल रहा है उनके टैलेंट के बेसिस पर। ऐसा वक्त कब आएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, पर आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आपको इस इंटरव्यू के बारे में क्या बोलना है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में हमारा नया चैनल सागर वाला रिव्यू के साथ जुड़ जाइए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।